आज एक बार फिर नवीन तोसनीवाल जी से मुलाकात कर रहे हैं, जो ग्राफोथेरेपी स्पेशलिस्ट है। नवीन जी आज बताएंगे स्मॉल टी के बारे में। जी नवीन जी, आप बताएं क्या है इसमें। हाँ, एक्चुअली क्या है साहब, ये हैंडराइटिंग एनालिसिस और ग्राफोथेरेपी में स्मॉल टी का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, बहुत महत्व है। जी, आपने बहुत सारे टी यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। हाँ, तो इसमें जो है पर्सन के बारे में बहुत कुछ एनालिसिस होता है। इनफैक्ट हमने जिस बुक से सीखा है उसमें स्मॉल टी के ऊपर 3 से 4 चैप्टर्स हैं। ओके, तो इसमें हम लोग थोड़े बहुत टीज के बारे में चर्चा करेंगे, किस स्ट्रोक का क्या मीनिंग होता है, तो उससे आप लोगों को कुछ आइडिया लगेगा। अब इसमें देखिए, हमने तरह तरह के टीज बना रखे हैं, अलग अलग तरीके से टीज बनाते हैं लोग। जी जी, तो उसमें एक एक करके हम लोग लेते हैं। ये देखिए, एक नॉर्मल टी है जो हम लोग को सिखाया गया है जैसा बनाना, ये इस तरह का एक रेगुलर स्मॉल टी है। जी, इस टी में देखिए ऊपर लूप है जो एल बना के हम लोग टी बार लगाते हैं क्रॉस करके। जी, इसमें एल में लूप है। इस लूप का मतलब है पर्सन इज सेंसिटिव। सेंसिटिव के 2 मीनिंग निकाले जा सकते हैं। एक तो ये हुआ कि वो पर्सन जल्दी से हर्ट हो जाता है, उसको किसी ने कुछ बोल दिया तो वो फील कर जाता है। जी, और दूसरा सेंसिटिव का ये मतलब हुआ कि एक पर्सन कंपैशनेट है, मतलब उसको दूसरों की तकलीफ देख के तकलीफ होती है खुद, वो भी सेंसिटिव हो। तो इस तरह का अगर लूप्ड टी हो तो इसमें दोनों में से कोई भी हो सकता है या दोनों भी हो सकता है। ओके, सेंसिटिव या कंपैशनेट, दोनों चीजें एप्लीकेबल है इसमें। ये एक टी बार है जिसमें आप देखिए जो टी का बार है, सॉरी ये टी का जो बार है इसमें, ये ऊपर की तरफ है, मिडिल में नहीं होके थोड़ा ऊपर जा रहा, थोड़ा स्लाइटली ऊपर की तरफ है। इस तरह के टी बार का मीनिंग हुआ कि पर्सन एम्बिशियस है, वो उसको लाइफ में कुछ करने की इच्छा है, अंदर से उसको चाह है कि हम कुछ करें लाइफ में। बिल्कुल, और ये टी जितना डीप होगा उतना ही उसके गोल्स वेल डिफाइंड है। एक तो ये हुआ कि पर्सन एम्बिशियस है, कुछ करना चाहता है। दूसरा ये है कि उसके गोल कितने डिफाइंड है। अगर एम्बिशियस है आदमी और उसके गोल डिफाइंड नहीं है तो एम्बिशन का मतलब क्या हुआ, कुछ करना है, क्या करना है क्लियर नहीं है। तो ये कॉमन प्रॉब्लम है जो यंगस्टर्स होते हैं, टीनेज में, क्लास 10 से लेके 12 तक के बच्चे हैं, वो बहुत कंफ्यूज रहते हैं। इनफैक्ट बड़े भी कंफ्यूज रहते हैं, कई बार हम लोग भी कंफ्यूज रहते हैं कि हम लोग का मतलब मोटिव क्या है, किस डायरेक्शन में जाना है। तो ये टी जो है ना, बहुत इम्पोर्टेंट लेटर है जिससे इन सारी चीजों की थेरेपी देके आदमी का गोल डिफाइन कर सकते हैं और बहुत कुछ टैकल करेंगे, अभी बताएंगे आपको। अब ये टी में देखिए, टी बार जो है नीचे की तरफ है। नीचे टी बार अगर जा रहा है इसका मतलब है अ पर्सन लैकिंग कॉन्फिडेंस इन ओन एबिलिटीज। मतलब ऐसा नहीं है कि पर्सन में एबिलिटीज नहीं है या वो इंटेलिजेंट नहीं है, उसको अपने आप की काबिलियत पे भरोसा नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है आपके सबसे। हाँ, अपने ही ऊपर कॉन्फिडेंस लेवल उसका लो है। एबिलिटीज होंगी लेकिन अपने ही कॉन्फिडेंस, अपने ही एबिलिटीज पे उसको कॉन्फिडेंस कम, कॉन्फिडेंस कम। तो ये टैकल करना जरूरी रहता है, क्योंकि अगर लैकिंग कॉन्फिडेंस रहता है किसी के स्ट्रोक्स तो बाकी सारे पॉजिटिव पॉइंट्स वो उभर के नहीं आते फिर। जी, इस टी बार में देखिए, जो इस टी में जो टी बार है वो ऊपर है, आप देखिए जो एल का लेवल है, टच नहीं, वो कई बार तो हवा में भी आ जाता है। ओके, ऊपर। इस तरह के टी बार का मतलब है अ पर्सन इज अ ड्रीमर, वो सोचता ही रहता है कि हम कुछ करेंगे, वो सोचते ही रहते हैं, ड्रीम करते रहते हैं। एजुकेशन पावर नहीं है,
प्रैक्टिकल यूज में नहीं लेते हैं वो. मतलब वो सोचते रहते हैं करेंगे करेंगे लेकिन प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं होता है. बस थिंकिंग ही चलती रहती है हाँ कुछ करना है कुछ करेंगे. ये टी बार देखिए, ये टी बार जो है एल से राइट में जा रहे हैं, इसको कट नहीं कर रहा है, राइट में है. राइट टी बार का मतलब हुआ शॉर्ट टेम्पर, उसको गुस्सा जल्दी से आ जाएगा. अब वो गुस्सा दिखाएगा कि नहीं वो हम लोगों ने पिछले सेशन में डिस्कस किया था हैंडराइटिंग के स्लांट के ऊपर. अगर स्लांट राइट है तो ज्यादा एक्सप्रेसिव है, हो सकता है वो गुस्सा दिखा दे. स्ट्रेट हो तो वो नहीं दिखाएगा, लेफ्ट में हो तो बिल्कुल दबा के रह जाएगा. तो ये स्ट्रोक है शॉर्ट टेम्पर. इसी तरह देखिए ये कह सकते हैं डेंजरस स्ट्रोक भी कह सकते हैं इसको, डेंजरस क्योंकि गुस्सा दबा के रखेगा तो वो सारी इश्यू जो हाँ वो है. लेकिन इसके साथ और भी कई अपने को कॉम्बिनेशन ऑफ अदर ट्रेट्स भी देखने पड़ते हैं. ये तो एक इंडिविजुअल जस्ट एक सिंगल ट्रेट एनालिसिस है. पूरा एनालिसिस करने के बाद वो टेम्पर जो है कंट्रोल करना है कि नहीं या कुछ और चीज टैकल करनी है, वो थेरेपी और पूरे एनालिसिस पे डिपेंड करता है. यहाँ टी बार देखिए आप टी यहाँ पर लेफ्ट साइड में आ रहे हैं, एल के लेफ्ट में आ रहे हैं. यहाँ राइट में था, यहाँ लेफ्ट में. इसका मतलब है हैबिट ऑफ डिलेइंग और हैबिट ऑफ कीपिंग थिंग्स पेंडिंग. मतलब प्रोक्रेस्टिनेशन की उसकी टेंडेंसी है पर्सन की. वो कोई चीजों में उसको इंटरेस्ट नहीं है, तो बोले चलो छोड़ो बाद में करेंगे, सोचेंगे करेंगे, वो करके टालता रहता है. तो ये प्रोक्रेस्टिनेशन का साइन है. यहाँ पर आप देखिए जो टी बना है, ये टी में जो है गैप है बीच में, उल्टा वी की तरह आ रहा है. इसका मतलब है पर्सन इज स्टबर्न, जिद्दी. ये जिद दिखाता है सब. तो ये अगर बच्चों में आ जाता है तो थोड़ा सा टैकल करना जरूरी है. वैसे तो सबके लिए इम्पोर्टेंट है लेकिन बच्चों में खास करके जिद हो तो टैकल करना जरूरी. अच्छा इसमें आप देखिए जो टी बार है, आप थोड़ा सा पास लाइए, यहाँ पर मोटा है लेफ्ट में और राइट जाते जाते हल्का हो गया, लाइट हो गया. ये यूनिफॉर्म नहीं है. इस तरह का स्ट्रोक जहाँ राइट में हल्का पड़ जाता है, दिस शोज सरकाज्म. आदमी सरकास्टिक है. उसको हो सकता है अपने टंग पे कंट्रोल नहीं हो, वो किसी को कुछ भी बोल सकता है. तो ये सरकाज्म का स्ट्रोक हो गया. अच्छा फिर अपनी नेक्स्ट शीट लेते हैं. ये तो फिर से हमने एक नॉर्मल टी बनाया है. इस टी में आप देखिए जो डी बार है ये डीप है, मतलब प्रेशर से बनाया गया है. बोथ साइड से हाँ, बोथ साइड से सेम भी है और प्रेशर के साथ बनाया गया है. प्रेशर के साथ बनाया हुआ टी बार का मतलब है स्ट्रॉन्ग विल पावर. हल्का टी बार मतलब उसकी विल पावर कम है. जितना डीप टी बार है उतना ही स्ट्रॉन्ग विल पावर है. ये टी बार आप देखिए लंबा है, जितना ये एल है उतना ही लंबा ये टी बार है. इस तरह का टी बार का मतलब हुआ एंथुजियाज्म. पर्सन इज वेरी एंथुजियास्टिक अबाउट डूइंग थिंग्स. एंथुजियाज्म को हिंदी में क्या बोलते हैं वो एक्सप्लेन कर सकते हैं. राइट एनीवे कोई बात नहीं. अच्छा यहाँ देखिए ये जो टी बार हमने बनाए हैं इसमें टी का जो एल है और बार है ये आपस में नॉट की तरह बने हुए हैं. ये देखिए टी बना के नॉट बना के बार बना दिया. इस तरह के नॉटेड स्ट्रोक्स का मतलब हुआ पर्सन इज परसिस्टेंस, परसिस्टेंट. कोई काम के वो पीछे लग गया तो वो लग ही जाएगा, फिर उसको छोड़ेगा नहीं. कंप्लीट करके कंप्लीट करके ही छोड़ेगा. लेकिन वो भी कैसा ये परसिस्टेंस का स्ट्रोक प्रैक्टिकली तभी यूज होगा जब कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेड्स देखे जाएं. अगर किसी सिंगल टेक्स्ट पे या सिंगल लेटर पे ये परसिस्टेंस का स्ट्रोक अगर किसी में है और डिटर्मिनेशन का स्ट्रोक नहीं है सपोज, तो डिटर्मिनेशन ही जब पर्सन नहीं है तो परसिस्टेंस उसके काम ही नहीं आता. लेस डिटरमाइंड जो पर्सन डिटरमाइंड होगा
वही तो ठान लेगा कि हमको कुछ करना है, उसके बाद ये परसिस्टेंस उसको पुश करेगा कि उस काम को हम लोग आगे फिनिश करें, लेकिन डिटर्मिनेशन नहीं हो तो ये इसको फिर परसिस्टेंस का उतना यूज नहीं होता है। बट ये स्ट्रोक अच्छा है, दिस इज अ पॉजिटिव स्ट्रोक। अब देखिए ये जो स्ट्रोक है ये टी बार में आप देखिए, टी में इनिशियल एक लंबा स्ट्रोक है, शुरू में स्टार्टिंग में एक लंबा स्ट्रोक है। इस तरह के स्टार्टिंग में जो स्ट्रोक्स हैं टी के अलावा और भी किसी लेटर में जैसे एल में एच में अगर आते हो, ये दिखाता है साहब रिजेंटमेंट। रिजेंटमेंट के साहब ये एक बहुत नेगेटिव स्ट्रोक है। वो पर्सन जो है कोई चीज को लेके तकलीफ पा रहा है, कोई चीज उसको अंदर से पिंच करती जा रही है, हो सकता है वो कुछ दिनों से हो, कुछ महीनों से हो, या कुछ सालों से हो। तो ये परसिस्टेंट जो है ना सर, ये सॉरी रिजेंटमेंट, ये एक नेगेटिव ट्रेट है जो आदमी के सारे पॉजिटिव ट्रेट्स दबाने की कैपेबिलिटी रखता है। तो इस तरह का डेंजरस स्ट्रोक कह सकते हैं, ये नेगेटिव स्ट्रोक है, नेगेटिव स्ट्रोक, बहुत नेगेटिव स्ट्रोक है। तो रिजेंटमेंट अगर किसी के आता है तो उसको टैकल करना बहुत जरूरी है, काउंसलिंग कराना जरूरी है। हाँ, काउंसलिंग तो साहब बाद में होगी, पहले थेरेपी देंगे, चेंज करवाएंगे स्ट्रोक को। तो क्या होता है, क्या स्ट्रोक की थेरेपी देने से या राइटिंग में माइनर या मेजर चेंजेस करने से ये चीजें क्योर हो सकती है, बोल सकते हैं? ये तो एक प्रूवन साइंस है, ये तो होना ही है, कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन पर्सन को जेन्युइनली प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आजकल एक कॉमन क्वेरी आती है कि हम तो लिखते नहीं, ऑफ कोर्स सब कंप्यूटर पे आ गए, लेकिन प्रैक्टिस जो कंप्यूटर पे आ गए उन लोगों को प्रैक्टिस करना पड़ेगा रिटर्न में, रिटर्न में ज्यादा टाइम नहीं लगता था। अगर किसी लाइन को आप, हम जो थेरेपी देते हैं उसको आप 20 से 30 बार लिखें, हार्डली 5-10 मिनट लगते हैं। लेकिन अगर ये प्रैक्टिस करेंगे तो नेगेटिव ट्रेट जाने ही है, कोई डाउट ही नहीं है। इसमें आप क्या कर सकते हैं ना साहब, गूगल पे आप टाइप करिए ग्राफोथेरेपी और सर्च करिए, तो उसमें आपको बहुत सारे आर्टिकल्स मिलेंगे, और शुरू के ही 2-3 आर्टिकल्स में आपको मिलेंगे कि चेंज योर हैंडराइटिंग, चेंज योर लाइफ। तो इस पे कभी एक सेशन रखेंगे, चेंज मतलब कंप्लीट इस कॉन्सेप्ट पे कि चेंज योर हैंडराइटिंग और चेंज योर लाइफ स्टाइल और समथिंग लाइफ। तो इस पे मैं समझता हूँ एक सेशन आपके साथ रखेंगे। एक्चुअली वो तो क्या है, टोटल एनालिसिस के बाद ही होता है। ओके, टोटल एनालिसिस जब किसी का हो जाता है उसके बाद ही हम लोग थेरेपी देंगे, और उस थेरेपी का जो इम्प्रूवमेंट आएगा वो एक बार में नहीं आता। क्या ये थेरेपी कितने टाइम का होता है, क्या ड्यूरेशन रहता है? देखिए कोई भी थेरेपी देते हैं वो 2 वीक प्रैक्टिस करना होगा। ओके, 2 वीक में जो डिजायर्ड चेंजेस हैं वो आने लगते हैं। जब वो चेंजेस आ जाते हैं उसके बाद में फर्दर थेरेपी देंगे। अब जैसे किसी का टेम्पर कंट्रोल करना है तो इस तरह का जो आप ये बोल सकते हैं, जो भी नेगेटिव उसका बिहेवियर होता है तो वो नेगेटिव बिहेवियर आपकी राइटिंग में आएगा ही आएगा। आप ये कह सकते हैं, जैसे मैं समझ पाया हूँ कि जो नेगेटिव बिहेवियर है वो आपकी राइटिंग में है, और राइटिंग में है तो नेगेटिव बिहेवियर दोनों आपस में जुड़ा हुआ है, जो कॉम्बिनेशन है। अब जब नेगेटिव बिहेवियर को अगर बच्चे में है तो निकालना है, तो उसको ये थेरेपी देखिए, या बच्चे में है, बड़े में है, या प्रोफेशनल है, बिजनेसमैन है, कोई भी किसी भी कैटर का बंदा है, तो नेगेटिव बिहेवियर को निकालने के लिए आप ये थेरेपी सजेस्ट कर सकते हैं और दे सकते हैं। हाँ, और उसको प्रैक्टिस करेंगे, इम्प्रूवमेंट आएंगे, फिर नेक्स्ट राउंड ऑफ थेरेपी देंगे। ओके, क्योंकि एक स्ट्रोक से हो सकता है एक चीज टैकल हो जाए, हो सकता है 2 चीज हो जाए, हो सकता है 3 चीज होता है, वो डिपेंड करता है वो कौन सा स्ट्रोक है और पूरे ओवरऑल एनालिसिस पे। राइट, और वो थेरेपी जब हो जाती है फिर कोई और स्ट्रोक चेंज देंगे जिससे कुछ और चीजें इंप्रूव हो सकती है। ओके, तो थेरेपी तो देखिए हमारे पास लोग आ रहे हैं आज 5-5 साल से थेरेपी ले रहे हैं। ओके, 5 साल से, 5-5 साल से ले रहे हैं थेरेपी, कंटिन्यू ये प्रोसेस है, एक मतलब कंटिन्यूटी, जैसे कोई नेगेटिव इंपैक्ट आया उसकी लाइफ में, उसके उसमें, तो वो उसको रिजोल्व करने के लिए आप ये थेरेपी दे सकते हैं। राइट जी नवीन जी, ठीक है। तो आज का सेशन जो है हमारे ख्याल से टीज से आपको काफी कुछ हमने बताने की कोशिश की है, और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेटर है हैंडराइटिंग एनालिसिस में। ओके,
इसकी बहुत वैल्यू है, कभी हम लोग और चर्चा करेंगे इसके बारे में। ओके नवीन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। किसी को भी कोई क्वेरीज हो तो आपकी आवाज़ अरुण जी से संपर्क करिए।